देखिए ठीक है, नंबर है एनडीए के पास, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज़्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने, बिहार सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने थी बिहार में, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा के उसके बाद 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। फिर हम ही लोगों का कैबिनेट प्रपोजल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा गया था कि इस 75% के आरक्षण को शेड्यूल 9 में डाला जाए। तो हम तो चाहेंगे कि उसको जो सरकार आए वो शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को डाले, और हम चाहेंगे कि देश भर में जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाए। देखिए, ये हम लोगों की पुरानी मांग रही है जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है, और एक अच्छा मौका है उनको किंग मेकर के रूप में अगर हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाति जनगणना करवाएं, और जो बिहार का आरक्षण बढ़ाया गया 75% उसको शेड्यूल 9 में डाल दें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस बार देखा गया, पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है, बिना उनके दो बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है, तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर, पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार के लिए तो इतना करना ही चाहिए। नहीं, आप देखिएगा पिछले बार के मुकाबले जो है एनडीए 39 लेके गई थी, इस बार केवल 30 लेके गई है। हाँ, बेहतर हमेशा हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जो परफॉर्मेंस किया है बेटर, उससे परफॉर्मेंस हम लोग आगे भी करें, लेकिन हम लोगों ने कोई भी कैंपेनिंग में कोई कमी हम लोगों ने छोड़ी नहीं। और पूरे देश भर में हमने कहा था इस बार कि भाई चौंकाने वाला जो रिजल्ट है वो आएगा, और आप देखिएगा देश भर में ऐसा माहौल बना कि नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 240 से पहले उतर अटक गई। अभी बैठक है, और जिस हिसाब से लोगों ने मेहनत की है और जो नतीजा हम लोग लेके आए हैं और जो लोग जीत के आए हैं, और सब लोग बैठेंगे, रणनीति बनाएंगे कि आगे हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, तो एक बार देखते हैं। सारी चीज़ें खुली हैं। नहीं नहीं, सलाम दुआ हुई, फिर देखे कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब समय पे बात किया जाता है, ये सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।